जय हिंद साथियों। तो आज जो है हम बात करेंगे जो NDA ग्रुप सी का जो ऑनलाइन फॉर्म आया है उसके बारे में, साइड टेल पे जो हम बात करेंगे। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो है लोअर डिवीजन क्लर्क का जो है टोटल 16 पोस्ट है, बाकी जो है आपका स्टेनोग्राफर का जो है एक पोस्ट है, ड्रॉट्समैन का दो पोस्ट है, सिनेमा प्रोजेक्टिनिस्ट का जो है आपका एक पोस्ट है, कुक का जो है 14 पोस्ट है, कंपोजिटर कंप्रिंटर का एक पोस्ट है, सिविलियन मोटर का तीन पोस्ट है, कारपेंटर का दो, फायरमैन का भी दो, TA बेकर एंड कॉन्फिक्शनर का जो है वन है, एक सीट है, यानी कि TA साइकिल रिपेयर का दो, TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का एक, TA बुक रिपेयर का एक, और बाकी जो है MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है आपका 151 सीट है। टोटल जो है 198 सीट है इसमें, बाकी 10 सीट जो है ये सब जो है अदर रिजर्वड हैं, किन के लिए, एक्स सर्विस मैन और जो भी थोड़ा मतलब कि विकलांग है उनके लिए। तो यही जो था अपडेट था। बाकी देखिए इसमें जो है आपका जो है कितना पोस्ट कौन से कैटेगरी में वो आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे आप लोग के लिए एक डाउट ग्रुप भी बनाया गया टेलीग्राम पे, जिसमें कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई वैकेंसी रिलेटेड तो आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। तो बाकी देखिए अब इसमें जो है एज लिमिट की हम बात करते हैं। देखिए एज लिमिट जो है इसमें, देखिए सबसे पहले 10th और 12th पास का जो ये आपका वैकेंसी है, एज जो है इसमें 18 से 25 और 18 से 27 बहुत पोस्ट के लिए, ये आप जैसा कि देख सकते हैं 18 से 27 सिविलियन मोटर वगैरह के लिए 18 से 27 है, और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 18 से 27 है। देखिए इसमें जो है ट्रेड टेस्ट होता है, सबसे पहले जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है आपका यहीं ट्रेड टेस्ट कह सकते हैं, और जो मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क है उनका टाइपिंग होगा, ठीक है, और स्टेनोग्राफर जो है उनका भी वही होता है, स्टेनोग्राफर जो उनका भी टाइपिंग एक तरह समझ लीजिए, जो स्टेनो सीखे उनको पता होगा, और उसके बाद जो कुक वगैरह में जो बच्चे फॉर्म डालेंगे उनका जो है आपका अथी होगा, मतलब कि उससे ट्रेड टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें सिलेबस की बात करें तो मैथ रहता है आपका, रीजनिंग रहता है, ये मैं प्रीवियस ईयर यानी पहले के हिसाब से बता रहा हूँ, GK GS आपका रहता है, और इसके बाद इंग्लिश रहता है। टोटल जो आपका 20-20 या 25-25 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। यही जो था अपडेट था। बाकी जो है इससे रिलेटेड आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।